स्वागत है आपका मेरे किचन में, यानी कि सारिका के किचन में, जहाँ पे मैं आपको डेली नई नई सब्जियाँ बनाना सिखाती हूँ, नए नए तरीके के खाने बनाना सिखाती हूँ, जिससे कि आप अपना डेली की कुकिंग जो है, रोज़मर्रा का जो खाना है, आप उसको और बेहतर बना सके और स्वादिष्ट बना सके और दूसरों की तारीफों के पात्र बन सके। तो इसके लिए चलिए देखते हैं आज क्या बन रहा है मेरे किचन में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको घर पे मेथी मटर मलाई की सब्जी बनाना सिखाने जा रही हूँ। ये इसका जो कलर है बिल्कुल नेचुरल है, बिना किसी एडेड प्रिजर्वेटिव के, बिना किसी एडेड कलरिंग के। और ये देखिए है ना, इसमें मटर क्या खूबसूरत लग रही है, खाने में उतनी ही टेस्टी है और हेल्दी भी। बिल्कुल घर में मिलने वाले आपके सामान से मैंने ये सब्जी तैयार की है। आपको बाजार से कुछ भी इसके लिए एक्स्ट्रा खरीद के लाने की जरूरत नहीं है, घर में अवेलेबल सामान से, घर की मलाई से आप ये सब्जी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये मेथी को हमने अच्छे से पानी से धो लिया है 3 से 4 बार, जब तक के इसमें से मिट्टी निकलती रहे तब तक के इसको अच्छे से धो लेना है। और इस तरीके से मैंने जाली वाली छलनी में रख दिया ताकि इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब क्या करना है, यहाँ पे हम पहले तो प्यूरी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया 2 टमाटर, 2 मिर्च और 1 टुकड़ा अदरक का। चलिए इनकी प्यूरी तैयार कर लेंगे। चलिए ये देखिए प्यूरी बन करके बिल्कुल तैयार है। साथ ही अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कटोरी में एक मुट्ठी काजू लेकर के इन्हें हम यहाँ पे थोड़े से दूध में भिगा देंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक के क्या करना है बताती हूँ। इसके लिए यहाँ पे देखिए एक पैन हमने अच्छे से गरम कर लिया। मैं यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा देसी घी या बटर, आपको जो भी पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे ही ये पिघलने लगेगा हम इसमें ये धुली हुई मेथी थोड़ी सी डालेंगे और यहाँ पे इसको धीमे गैस पे ही, एकदम स्लो गैस पे थोड़ी सी फ्राई करेंगे, चलाते रहेंगे लगातार ताकि ये जले नहीं। जब तक हमारी मेथी भुन रही है तब तक के हम ये मटर लेकर के इसको थोड़ा सा ब्लांच कर लेंगे। ब्लांच करने में एक्चुअली तो इसको गर्म करके ठंडे पानी में डालते हैं, पर ये मैं यहाँ पे इसमें 1 सीटी दे रही हूँ ताकि ये काफी गल जाए और हम इसको जल्दी जल्दी बना सके। तो चलिए थोड़ा सा पानी और जरा सा नमक डालकर इसमें 1 सीटी लगा लेते हैं। थोड़ा सा ही पानी डाला है मैंने ताकि मैं उसे बाद में इस्तेमाल कर सकूं। ये देखिए हमारी मेथी भी भुनना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पे ये मेथी बिल्कुल हमारी पक चुकी है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे अलग से हम निकाल लेंगे और अब उसी पैन में हमने फिर से डाल दिया है यहाँ पे थोड़ा सा बटर। पैन गरम है हमारा तो फटाफट मेल्ट हो रहा है ये बटर और हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे जीरा। मिर्ची, हल्दी और ये टमाटर। और यहां पे हम इसको अच्छे से भूनेंगे। साथ ही इसी जार में जिसमें हमने टमाटर ऑलरेडी किए हुए हैं इसी में हम ये काजू का पेस्ट बना लेते हैं, क्योंकि हम इसे सब्जी में यूज करने वाले हैं इसीलिए हम इसमें बना रहे हैं। अदरवाइज आप इस तरीके से टमाटर और दूध को मिक्स करेंगे तो वो खराब हो जाएगा। तो चलिए इसकी प्यूरी बना लेते हैं। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। ये बिल्कुल घर का बनाया हुआ एकदम प्योर गरम मसाला है। कैसे बना सकते हैं आप, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप वहां से देख सकते हैं। और इसको यहाँ पे थोड़ा सा भूनेंगे हम। साथ ही हम इसमें यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर। और एक बार इसको मिक्स करते हुए फिर से अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे। ये देखिए इस तरीके से टमाटर हमारे भुन चुके हैं। थोड़ा थोड़ा सा आपको दिखाई देगा कि इसमें से घी निकलने लगा है। साथ में अब हम इसमें ऐड करेंगे ये अपना काजू का पेस्ट।
जो कि इसको काफी क्रीमी बनाएगा। अच्छे से चलाते हुए यहाँ पे ऐड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसको हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। ये जो मेथी हमने तैयार करके रखी है फ्राई करके, इसको भी हम इसी के में इसके साथ ही थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर है ना, एकदम बढ़िया ग्रीन है, वो भी मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कलर नहीं डाला है। तो चलिए आप दिखाती हूँ मैं आपको, ये टमाटर हमारे यहाँ पे जो काजू का पेस्ट था ये भुनना शुरू हो चुका है अच्छे से। और अब हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे ये अपनी मेथी की प्यूरी, देंगे इसको एक अच्छा सा मिक्स। यहाँ पे कलर देखिए इसका, बिना किसी आर्टिफिशियल कलरिंग के, है ना मजेदार। ये देखिए, और अब मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी। ये ग्रीन इसलिए है कि जिस मिक्सी के जार में मैंने इसको पीसा था मेथी को, उसी में से मैंने निकाला है। अब यहाँ पे इसको देंगे एक अच्छा सा मिक्स। कोई भी लम्स ना रह जाए, ताकि इसमें एक अच्छा सा मिक्स देंगे हम। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी मटर। ये देखिए ये मटर है जो हमने बॉइल होने रखी थी, और ये देखिए अच्छे से बॉइल हो चुकी है और बिल्कुल मिक्स भी नहीं हुई है। चलिए इसे हम यहाँ पे पानी के समेत इसमें डाल देते हैं। अब आपको चाहिए इसमें तो आप और पानी ऐड करिए, नहीं तो आप इसको इसी तरीके से पका सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ढक करके पकाऊंगी, और यहाँ पे हम साथ ही ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ पे हम इसको ढक करके पक बॉयल आने देंगे। अच्छे से पका लेंगे हम इसको यहाँ पे। यहाँ पे घर की मलाई ली है, आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। इसको हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स करके इसको एक सार कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल एक सार कर लेंगे। आप इसको और फेंट सकते हैं तो और फेंट लीजिए थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल हमारी जो है सब्जी बॉइल हो रही है। इसमें देखिए आप कैसे बबल्स उठ रहे हैं। अब हम इसमें यहाँ पे ऐड कर देंगे ये अपनी मलाई, जो इसको रिच क्रीमी और थोड़ा सा स्वीट टेस्ट देगी, क्योंकि ये जो मेथी की कड़वाहट है वो भी तो हमें बैलेंस करनी है, वो इससे बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे हम कर देंगे गैस बंद, और इसी में इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आपके स्वादिष्ट मेथी मटर मलाई की सब्जी बन करके घर में बिल्कुल तैयार है। हमने अपनी इसमें लिटरली मलाई ही डाली है जो कि घर के दूध से निकली है। तो चलिए मैं आपको इसको सर्व करके भी दिखा देती हूँ। देखिए आपकी स्वादिष्ट मीठी मटर मलाई की सब्जी घर में बन करके बिल्कुल तैयार है, वो भी बिना प्याज और लहसुन के। तो जब चाहे तब आप इसे बनाइए, रोटी पराठे नान या चावल जिसके साथ मर्जी सर्व कीजिए, बस मजे लीजिए। धन्यवाद। कैसी लगी आपको आज की मेरी ये रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइए। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने विचार मेरे लिए ज़रूर छोड़िए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, क्या आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोज इस तरीके की आपके लिए पोस्ट करूं या फिर ना करूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर।